हेलो। अच्छा सुनो ना, उठा नहीं रहते उठा कर लिया। हेलो। यस सर। अच्छा मेरा मोबाइल कहाँ से लगा? हेलो। हेलो। अभी तो पेपर डिस्कस कर लेते हैं पहले, थोड़ा आगे बढ़ने के पहले। बोलो पेपर टू। पेपर टू बोलो, कुछ इसका सॉल्यूशन है उसका डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? पेपर टू। सर हाँ सर सर मैंने एक ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा था सर, वो एक बार बताओ ना कौन सा? सर। मैंने कल ही भेजा था सर, मैं 1 मिनट टैग करता उसको। सर आपका डेस्कटॉप दिख रहा है। हाँ भाई बोलो। पेपर टू सर सर मैंने वो वन टैग, टू हटे देख लूंगा मैं। पेपर 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 कर लूँ मैं। पेपर टू, 1 से लेके 5 तक, 6 यहाँ तो कुछ नहीं है, 7 8। हाँ 7 8 9 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन में। वो एज अ होल कंप्लीटली ही बोनस करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे करना क्या था बता देता हूँ। वो डिफरेंशिएबिलिटी वाले कुछ मतलब ही नहीं था, वो लाइन हटाने भूल गया था मैं, ठीक है? करना क्या था, सबको सिंप्लीफाई करना था। ये बात चमकती है? यस सर। तो पहले का सिंप्लीफिकेशन क्या आया? अब भाई देखो, अगर अभी भी क्लास में चुप बैठोगे ना तो कुछ तुम्हारे मार्क्स वर्क्स कभी ना आएंगे, ठीक है? चुप बैठना, चुप बैठ रहे हो गधों की तरह। फिर आई कांट डू एनीथिंग। इसका ब्रेकिंग करिए, चमकता है? हाँ सर। माइनस वन से वन आएगा, एक्स वन से बड़े में क्या आ रहा है? 2 tan inverse x माइनस। आप लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में यार, मतलब दम की तरह चुप रहना है। मैं समझ में नहीं आता, बिल्कुल थक गया मैं। 2 tan inverse x plus pi, ये आ जाएगा आपका पहला ब्रेकिंग। दूसरा आपका sin inverse x एज इट इज है। तीसरे में आप ब्रेक करोगे तो क्या आ रहा है आपका? किसी ने ब्रेक करने का ट्राई किया था? इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ब्रेक होगा? सर tan inverse x को थीटा लेके। टैन इनवर्स को थीटा ले रहे हैं तो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ गया? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू गया ना। तुम्हारा एक्स कितना आ गया? टैन थीटा, ठीक है? अगर एक्स टैन थीटा आया यस तो सर। क्या आया बताओ? 4 tan inverse sec थीटा माइनस 1 by tan थीटा, ठीक टेन है? थीटा तो क्या आ गया? 4 tan inverse 1 minus cos थीटा, तो टैन थीटा बाय टू आ गया, ठीक है? विच विल बी 2 थीटा, विच इज हाउ मच फाइनली? 2 tan inverse x। ये बात चमकती है? अच्छा सर। यहां तक क्लियर है तीनों? हाँ सर। यहां तक कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, ढूंढना है। ठीक है, फिर कॉलम टू में आते हैं। कॉलम टू में समस्याएं हैं।
पहले ऑप्शन में कोई समस्या नहीं है, वन में कोई समस्या नहीं है, वो आपका मैच हो जाएगा देखो। लेकिन कॉलम वन का जो टू है ना उसमें थोड़ा गड़बड़ी है डोमेन का। क्या गड़बड़ी है बताओ, वहां पे क्या गड़बड़ी है? क्यों कह रहा हूँ गड़बड़ी क्वेश्चन? हाँ, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू, नहीं नहीं रिफंड नहीं आया मेरे फोन
करता भाई, हम तो जरूर करेंगे माल करने का इंसान, वो फिर फंसना है फालतू काम बोल रहा हूँ ना। वो तो लॉगिन का खुद दिख जाएगा उसको। हाँ भाई, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम दिख रही है प्रॉब्लम? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है बताओ यहाँ पे विदुषी, क्या प्रॉब्लम है? विदुषी यस सर, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो जीरो इंक्लूड हो रहे। क्या जीरो जीरो इंक्लूड से प्रॉब्लम क्या है बताओ? जीरो इंक्लूड से क्या प्रॉब्लम होती है यार? तुम्हारा थोड़ा बेसिक ही हिल गया है यार, तुम्हें बेसिक ही नहीं आ रहा है फंक्शन का। जीरो इनक्लूड पे क्या दिक्कत हो रही है? भाई हद ही हो गई विदुषी यार, क्या पढ़ रही है, मतलब ही नहीं बनता है फिर पढ़ाई का। तो नहीं दिख रहा, जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना भाई। हाँ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया ना, प्रॉब्लम है ना डिनोमिनेटर जीरो होने से, वहां प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन में, ये बात चमकती है। Yes, sir. ऐसे ही फिर, ऐसे ही फिर आपका पी वाले में दिक्कत है। पी वाले में क्या दिक्कत है? जीरो नीचे में आ गया ना, बस क्वेश्चन ये था। देखो क्वेश्चन क्या था, इसकी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि सारे को टैन इनवर्स या जो भी कन्वर्टिबल फॉर्म है सबको मैच करना, ठीक है, और कुछ नहीं था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि डोमेन्स की प्रॉब्लम है तो हम मैच नहीं कर पा रहे, ये बात चमकती है क्या? ठीक है, तो नहीं बोनस करा रहा हूं मैं इसको, तो गलत है। 10, 11, 12 रोमन वन का कितना आंसर आया? 1, 1 रोमन टू का आंसर? -1, -1 रोमन थ्री का आंसर? 0, 0 इसका आंसर छोटे रोमन वन का? 0, 0, 0 रोमन टू का? 1, 1, 1 की पावर 0 बना था, और रोमन छोटा रोमन 3 का? -1, -1 और यहाँ पर पी का? -1, -1 क्यू का? 0, 0, 0 आर का? 1/e सबका आ रहा है क्या? 1 ही आ रहा है मेरा आंसर, 1/e कैसे आ रहा है तुम लोगों का? x tends to π/4 हाँ पाई बाई फोर है तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला है तो किए तो उसे तो 0 ही तो आ रहा है, मतलब क्या e की पावर 0 आ रहा है, तुम लोग क्या किए हो? सर e raise to tan x minus 1 into tan 2x। हाँ tan x minus 1 into tan 2x, tan 2x क्या होता है? 2 tan x by 1 minus tan square x। हाँ तो ये कट जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? e की पावर 2 tan x, अच्छा माइनस भी आ गया। हाँ 1 plus 10x, हाँ e की पावर -1 सही है, तो 1/e आ रहा है आंसर p q r का, तो r का आंसर 1/e आ रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है क्या सही होगा? 1 is equals to 2 है ना? हाँ सर, 1 is equals to 2 is Not equal to R, तो इसका आंसर तुम्हारा तो कोई नहीं है, गलती हो गया ना, ये भी गलत फंस गया ना क्वेश्चन यहाँ पर भी तो। टेंथ में भी ऑप्शन सही नहीं है, 11th में जो ऑप्शन उन्होंने आंसर दिया है वो करेक्ट है। और फिर 13th में 12th तो सही हो जाएगा ना? 12th तो सही हो जाएगा, 3, 1 और Q ये सही है ना, लेकिन वो गलत हो गया ना, 11th वाला भी गलत हो गया क्या? उसने 11th में हमारा क्या आंसर आ रहा है? 11th में तो ये आंसर सही नहीं है, -1, -1, -1 बोल रहा है ना वो, तो ये ऑप्शन तो सही वाला है, और बी ऑप्शन क्या है? 3, 2 R गलत, 3 वो भी गलत है, और सी ऑप्शन जो है वो भी गलत है।
टेंथ इलेवेंथ में प्रॉब्लम है, ठीक है ये प्रॉब्लम है, हटाना पड़ेगा, गलती हो गई सॉरी। आज तक कोई पैसा नहीं निकला, अच्छा पैसा कर दिया पूरा सिस्टम। ठीक है, अरे हेलो। हाँ सर। हाँ, और बाकी से कोई सॉल्यूशन नहीं है ना इसमें तो? हाँ सर है। और किसी को सॉल्यूशन में गलती है क्या यहाँ पर? नहीं ना, बाकी सारे सॉल्यूशन नहीं है। हाँ सर, एक बार 13 वाला एक्सप्लेन। कौन सा एक्सप्लेन करें? 13th में क्या है? GIF का ग्राफ है, बनाया था ये तो। वैल्यू ले लेके बनाओ, GIF x को 1 लो, GIF y 0 होगा, फिर 0 लो, फिर 1 होगा, बनाया था ना पहले तो। ठीक है, और बर्मन से क्या होमवर्क चल रहा है? अब भैया सुनो, ईमानदारी से होमवर्क को सब बर्बाद हो जाओगे, सबके सब बर्बाद लग रहे हो मुझे, सो एकदम ही मूर्ख लग रहे हो सब। बोलो ये क्या पेंडिंग है? शीट के क्वेश्चन है क्या? कौन बोल रहा है? सर मैं एक्चुअली, मेरा आज पहला दिन है और मेरे को अभी तक स्टडी मटेरियल मिला नहीं है, तो मैं इसलिए पूछ रहा था सर, शीट के क्वेश्चंस। नहीं, शीट का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन भेजा था करने को। ओके सर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या था? हाँ, होमवर्क कहाँ था पेंडिंग था बताया, किसी कुछ मालूम है होमवर्क क्या चल रहा है? मतलब वो भी बचा हुआ है अभी 380 से, तो तुम लोग 60 आउट ही पूछ रहे हो, तुम लोग तो कुछ बनता ही नहीं, तुम लोग का तो बस हीरोगिरी है। चलो बोलो 380 से, आज डिस्कशन खत्म करेंगे। 380 बोलो, 380 से आगे बोलो, 380, 381, 382, 383, 384, 385, डाउट ही नहीं है किसी को? ठीक है, अरे डाउट है तो बोलो सीधा, फिर किसी डाउट ही नहीं है, क्या फायदा है? सर जो 388 क्वेश्चन है वो क्लास में कराया था, मैं बोल रही हूँ गलत है। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि वो ब्रैकेट वो एंगल से नहीं है ना मल्टीप्लाई, पूछ रही हूँ। ब्रैकेट एंगल से मल्टीप्लाई नहीं मतलब 388 में सर। हाँ, क्या दिख, टेन स्क्वायर के आगे ब्रैकेट लिखा, उसके अंदर दो रूट्स का डिफरेंस, उसमें क्या कंफ्यूजन है? साफ साफ इमेज है, कंफ्यूजन क्या है उसमें? नहीं सर, मैं बोल रही थी कि वो जो दो ब्रैकेट है वो एक्स से मल्टीप्लाइड है, मतलब एंगल नहीं है ना वो है। नहीं यार, ऑब्वियसली एंगल नहीं है। 389, 390, 391, 392, 393, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 401, थर्टीन ट्वेंटी फाइव, थर्टीन ट्वेंटी सिक्स, थर्टीन ट्वेंटी सेवन, डाउट है क्या? नहीं।
1330 एक्सपेंशन ठीक है सर। सर ये क्वेश्चंस कहाँ से मिल सकते हैं सर? आपने पीडीएफ भेजा था क्या ग्रुप में? बिकॉज़ सर ये आप वापस भेज सकते हैं क्या, क्योंकि मैं रिसेंटली ऐड हुआ हूँ तो मुझे मिला नहीं है वो। अब तुम कब ऐड हुए हो? आज ही ऐड हुए हो वही हो? हाँ सर वो कल परसों ऐड हुआ हूँ सर मैं। सर ठीक है वापस भेज दूंगा। थैंक यू सर। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में बुक पड़ी हुई है शायद। ठीक है एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है एक्सपेंशन लगाइए क्या होगा बताइए। एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगा बोलो। x माइनस साइन एक्स का क्या होगा एक्सपेंशन? x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री वगैरह। और टेन एक्स का क्या होता है एक्सपेंशन बोलो? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री वगैरह। क्लियर है सर? x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री होता है। हाँ तो कितना आ जाएगा आंसर? ये कट जाएगा, कितना आ गया आंसर? माइनस वन बाई टू। क्लियर है? माइनस हाफ है। ठीक है थर्टीन थर्टी वन। 1331 डाउट पूछो उसका नहीं बना है, बेवकूफों की तरह मत करो यार। 1331 1332 1333 1334 1335 एक्सपेंशन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या पागलपन है कि एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे। तुम आइंस्टीन थोड़ी ना हो बे। e की पावर 2x माइनस 1 बाई 2x इंटू 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स बाई एक्स बाई एक्स। ये बात चमकती है? यहाँ पे x को चाहिए। अरे इतना क्लियर है क्या? बोलो yes. मैं सब चुप बैठे रहो गधों। yes. इसका कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 आ गया आंसर। शाबाश। 1 आया यहाँ पे, 2 आया यहाँ पे, 1 आया यहाँ पे, 1 आया। आंसर कितना आया फाइनल? 2। क्लियर है? यस। 1336 1337 ये वाला बताओ ना। कौन सा? 1337 क्लास में किया था? क्लास में नहीं किया था क्वेश्चन? मैंने किया था सर। डिनोमिनेटर में e की पावर है तो डाल दिए x माइनस है, तो क्या बन जाएगा? cos of a plus t, ये हो जाएगा ln t by ln of e की पावर a plus t माइनस e की पावर a। क्लियर है? तो क्या होगा बताओ? cos of a plus t बोलो क्या होगा? ln t by e की पावर, ये बाहर आ जाएगा ln of e की पावर t माइनस वन। क्लियर है? यस सर। यस सर। t से by t into t कर दिए तो क्या हो जाएगा? cos a plus t into ln t। नोट्स क्लास में ध्यान दोगे तब ना, ऐसे तो सब फिर सबके सब फेल हो जाओगे एग्जाम में। पक्का पता है तुम लोग कुछ नहीं आ रहा है, मतलब जीरो तुम लोग सीख रहे हो डेली क्लास में। जीरो जीरो एवरीबॉडी इज बिग जीरो। इनवर्स स्लो पढ़ाया कोई फायदा नहीं, प्रायोरिटी स्लो पढ़ाई कोई फायदा नहीं, ये स्लो पढ़ाया कोई फायदा नहीं। ln t क्या आएगा? a बाई ln t प्लस ये क्या बना हुआ है ln e की पावर t माइनस वन बाई टी वन ln t प्लस वन। चमक रहा है? अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos a, इसकी वैल्यू क्या होगी? a बाई इनफिनिटी जीरो, ये क्या होगा? ln वन बाई इनफिनिटी जीरो और वन। कितना आंसर आ गया फाइनल? cos a। हाँ सॉरी
अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अरे क्या ग्रुप पे ना वापस से वो फॉरवर्ड कर दो ना खैरनार। अच्छा उस पर हो ही नहीं, तुम्हें उस पर जाना पड़ेगा। ये तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वेदांत, ये तो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना वहां पे। सर मुझको वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। 1338 सर। मैं चमक ही नहीं रहा है, मतलब तुम लोग को सपना भी नहीं आ रहा है क्या क्या एक्सपेंशन लगाना है? मैं चमक ही नहीं रहा, चल क्या रहा है, क्या मजाक चल रहा है क्या? एक्सपेंशन लगाए थे कीर्ति? नहीं सर, मुझे लगा बिना एक्सपेंशन के। ओ भाई पहले तुम ये देखो क्वेश्चन में सब लोग एक्सपेंशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब लोग पहले एक्सपेंशन देखिए, क्या मजाक चल रहा है क्या क्लास में यार? तुम्हें किसने कहा है कि बिना एक्सपेंशन के बनाना है भाई? हद हो गई यार। वो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, ऊपर भी 2s कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा? एक और टर्म आएगा ना फिर तो, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्ट। अरे समझ रहे हो क्या, 1 1 कट गया, 2x कट गया, ये कट गया, ये बच जाएगा तुम्हारा है ना, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस हायर पावर्स ऑफ एक्स। आपका एम क्वेश्चन बनाना है कि आपका एम टाइम पास करना थोड़ी ना है भाई। हायर पावर्स ऑफ एक्स तो ये कट जाएगा, वैल्यू विल बी 1/3, 6 ऊपर 3 ऊपर 2 आ रहा है आंसर मेरा। अरे क्लियर है? यस सर क्लियर है। कॉपी करो, इसी ऊपर टाइम निकल जाएगा, फिर कुछ सिखा नहीं पाएंगे तुम लोगों को। चलो कॉपी करो। नेक्स्ट बोलो। 1339 नहीं है। 1340 नहीं है। सीधा एक्सपेंशन 1340 सीधा एक्सपेंशन है। 1341 नो सर। 1342 सर। 4 को बाहर निकाल लो एक्सपेंशन, वो 4 को ऐसे लिख के सीधा एक्सपेंशन, -4x +2x² -4/3x³ प्लस एक्स की पावर 4 बाई 6 sin x -6x प्लस x³। एक्सपेंशन लगाओ सीधा एक्सपेंशन। ले रहे? हाँ सर। 1343 नो सर। 1344 नो सर। 1345 नो सर। हो गया बहुत अच्छा यार। 1346 सर, इसमें n है ना, वहां पे n है कि x की पावर n है ना? हाँ एक बार बताओगे कभी? बताया था क्या? बताएं डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था आपको तो क्लास में, 0 होगा ना, पॉलिनोमियल बाय एक्सपोनेंशियल क्या होता है? 0। कितनी
एक बार बताऊं सेम चीज 1347 1348 अरे कोई किया भी है लग ही नहीं रहा मुझे डाउट नहीं आ रहा 1345 किसी डाउट नहीं है अभी हम 45 पूछ देंगे ना आधे लोग क्लास से भाग जाओगे सीधा सर 1345 जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अगर n की वैल्यू 1 से कम हुई तो क्या हो गया इन्फिनिटी के पावर 1 से कम क्या होता है इन्फिनिटी का पावर 1/100 क्या होता है इन्फिनिटी होता है ना यस सर अगर नेगेटिव हो गया तो भी क्या होगा नीचे आ जाएगा ना हर बार जीरो जा रहा है लिमिट लेकिन ऊपर रूट होगा ऊपर रूट है नीचे एक्सपोनेंशियल है क्या अंतर पड़ता है यार रूट तो रूट जो होगा तुम्हारा रूट x की पावर 1/100 है और e की पावर x है लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी तो ऑब्वियसली तो और छोटा ही हो जाएगा ना कंपेयर टू दिस यस सर हां सर 1348 45 से डाउट ही नहीं आया वाह 1345 डाउट ही नहीं किसी ठीक है भाई 1346 34 डाउट है भी किसी को कुछ भी 49 है 49 है x माइनस 1 को t लो क्या होगा बोलो 1 प्लस t बाई t माइनस 1 बाई लॉन 1 प्लस t पता नहीं कब सीखोगे एलसीएम लेना दिमाग ही नहीं आया तुम लोग को 300 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में सॉल्व कर दिए मैंने पहले भी बोला उस दिन भी एक बच्चे को मैंने ग्रुप पर लिख के बोला था कि आप ऐसे लिमिट क्यों निकाल रहे हो है ना आप नीचे थोड़ा एक्सपेंशन करने बैठे हो वन पे ऐसे टर्म्स को अलग निकालो ना ऐसे करके ये बात चमकती है yes. अभी एक्सपेंशन लगा दो अरे ये क्लियर है तो क्या हो जाएगा टीटी कट जाएगा ना अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो कोई शर्म ही नहीं है कोई बोलना ही नहीं चाहता यार बैठे रहो सब घर में खाना खाओ बैठ के बेटा आज तुम खाना खाओ एक साल बाद हम खाना खाएंगे ठीक है तो तुम्हारा आ जाएगा टी स्क्वायर बाई आधा नीचे में टी स्क्वायर आंसर कितना आ जाएगा हाफ ये क्लियर है फटाफट जागरूक बनो फास्ट बनो भैया फटाफट फास्ट बनो हम लिखेंगे हम आगे बढ़ेंगे तुमको कॉपी करना तुम कॉपी करो टाइम पास हो रहा है हाँ बोलिए आप हाँ बोले चलिए हाँ बोलो आप लोग क्या है नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग 1352 लिमिट x टेंस टू जीरो x cos x माइनस साइन x बाय x sin x चमक रहा है हाँ सर x cos x माइनस sin x अपने को फोर्स करोगे समझने को कभी नहीं समझ पाओगे बाई sin x बाई x है ना अभी लगा दीजिए एक्सपेंशन
लगा दो एक्सपेंशन ऊपर में cos s का और वहां पे उसका cos s का एक्सपेंशन क्या होता है मालूम भी है? 1 - x² / 2। पहले मार्क्स तो ले आए एग्जाम में, फिर मैं फिर लिमिट सीख जाएंगे बाद में। क्या कहानियां चल रही हैं। अरे कट गया ना x और x तो क्या बचेगा? तो ऊपर में तो x क्यूब बच रहा है और नीचे में x स्क्वायर बच रहा है। ऊपर में क्या बचा? ऊपर में तो x क्यूब टाइप से बचा ना, और नीचे में x स्क्वायर टाइप से चमक रहा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यस हाँ नेक्स्ट 1353 सर एक बार 1350 बताइए। लिमिट x टेंस टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टेन पाई बाय टू एक्स बाय ए। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्या होगा? मार डाल दो भाई, इसमें क्या दिक्कत? तुम्हें दिक्कत ही क्या है? मैं समझ नहीं आ रहा। तो कैसे करूं मैं इसमें समस्या पहुंच जाए? ये माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो यार, नहीं समझ में आता तो। यार मैं पूरी तरह कंफ्यूज कर चुका हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक्स माइनस को टी डाल दो यार, क्या आ रहा है? ये भी नहीं बोल सकते हो क्या आ रहा है, क्या पढ़ रहा है? क्या आ गया ये? टेन ऑफ पाई बाई टू एक्स की जगह ए माइनस टी बाई ए चमकता है तो वो टू ए माइनस टी होगा। ये क्या लिखा हुआ है? 2a माइनस टी इंटू टी। ये क्या लिखा हुआ है? cot tan cot लिखा है ना यार, cot पाई बाय टू ए टी। ठीक है, cot को लिख दो ना, तुम लोगों को cot दिखता है ना तुम लोगों को साइन दिखता है। तो तुम लोगों को लिमिट ही नहीं आई तो आगे तो बहुत समस्या है माय लाइफ में। पाई बाय टू ए टी और ये कितना है? पाई बाई टू ए इंटू टू ए बाई पाई चमका। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया है ना। तो क्या हो गया? 2a, ये 1 ही बन गया। 2a इंटू टू ए बाई पाई हो गया 4a स्क्वायर बाई पाई। ठीक है 1054 हो गया? नहीं सर। सबसे बड़ी तुम लोग की समस्या क्या है कि तुम लोग निहायती बेवकूफ लोग हो जिसमें से मैक्सिमम लोग ऑनलाइन
YouTube से लिमिट पढ़ लियो, लिख के दे सकता हूं मैं, अब तुम्हारी औकात नहीं है, तुमसे आईआईटी उसमें बनेगा याद रखना, गारंटी दे रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे नोट्स तो कोई पढ़ा नहीं है, अगर मेरे नोट्स पढ़ो तुमको क्वेश्चन नहीं मिला नोट्स में, तीन क्वेश्चन किया है और इसका एक हायर वैरायटी भी कराया है, जो तुम लोग क्वेश्चन लाए थे उस दिन वो पावर हाफ था ना, मैंने कहा था पावर ज्यादा रहेगा तो कैसे करेंगे, याद आ रहा है? हाँ सर। बोला मैं कि मेरे नोट्स पहले याद करो फिर कुछ करो, वटना जी हम तो हीरो हैं सारे के सारे, जब लोगों को लिमिट नहीं चमकती तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, इसीलिए मैं यही कहता हूँ जो पढ़ा रहा हूं ना बस उतना पढ़ लो बेटा, ठीक है अब पढ़ो यार, हम क्या करेंगे सर, थोड़ा फोड़ूंगा मैं अपना यार, ये बात चमकती है? Yes, sir. इसका लिमिट क्या होगा? 1/3 इनटू, यहाँ ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1+a+b+c3t है ना, मैंने हजार बार कहा बस नोट्स पढ़ लो मेरे, बस नोट्स पढ़ लो, बट ना हम बात ही नहीं मान सकते, कितना आ गया आंसर, a+b+c/3, ये बात चमकी? हाँ, तुमको पूरे अगस्त में बस ये करना था कि नोट्स पढ़ना था, सर ये नोट्स का भी पीडीएफ है क्या? हाँ सर वो भेज दो ना सर, एक्चुअली मैं कल परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ, इनफैक्ट इस ग्रुप में सर, आप मुझे ट्राई करके मुझे क्लास के बाद फोन करो ना यार। ऑलराइट सर। अरे इतना क्लियर है? यस। 1355 क्या है ये? E की पावर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना? क्या होता है इन्फिनिटी होता है ना? नोट्स पढ़ो मित्रा, नोट्स 57 58 59 60 61 62 63 64 क्लियर है क्या? सर 64 में भी एक्सपेंशन लगाना है। एक्सपेंशन क्लास में कराया था कीर्ति, क्लास में सेम क्वेश्चन, क्लास में कराया कि नहीं कराया सेम क्वेश्चन? हाँ सर सेम क्वेश्चन। कॉपी कर लिए? यस सर। चार्जर लैपटॉप।
कॉपी कर लिया? हाँ सर। अन्वेषा भाई तुमने क्वेश्चन कर लिए सारे? हाँ सर। हाँ सर। बाकी कर लियो आप लोग? हाँ सर। बहुत लोग नहीं करके आए थे होमवर्क वापस से, पता नहीं है, मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है क्या? ठीक क्या हो तुम लोग को पता नहीं। मैं तो कल भी 5-6 क्वेश्चन क्लास में छोड़े थे ना करने को। 3 क्वेश्चन सर। क्या था वो? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h - f(x) / h। सर वो ग्रुप पे तो हो गया था ना मैच करके।
ठीक है। क्या ग्रुप पे सॉल्व हो गया था? वो तीन क्वेश्चंस ग्रुप पे मैच कर लिया था ना, मैंने बोल दिया था, मैंने लिख दिया था आंसर, आपने ऑडियो भेजा था उसका। अच्छा सॉल्व करो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। सॉल्व करिए तीन क्वेश्चन। तो डिनोमिनेटर में एक्स होगा या एच? एच
कितना है पहले का? सर पहले वाले में एक हिंट दे सकते हो? मतलब पहला स्टेप क्या करना है ये पूछ रही है कि सेकंड स्टेप क्या करना है ये पूछ रही है कि थर्ड स्टेप क्या करना है ये पूछ रही है? क्या हिंट दूं? सर मैंने उसको e के पावर फॉर्म में चेंज किया, e की पावर डब्बा माइनस वन बाय डब्बा, फिर उसके बाद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था। किसी और का हुआ? 2x plus 2 minus x की पावर root 2x by h। किसी और का हुआ क्या? क्या होगा बोलो, अगला पहला स्टेप क्या होगा बोलो? e की पावर माइनस 2x प्लस 2h है ना, x प्लस h माइनस e की पावर रूट 2x ln x। ये क्लियर है? अभी बाहर निकालोगे ना इसको? हाँ सर। क्या हो जाएगा? तुम लोग आए, तुम लोग कुछ भी नहीं आ रहा, हम क्या बोले मतलब, ये तो यही बन जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है कि पावर तुम्हें डब्बा चेंज हो पाएगा, डब्बा भी चेंज नहीं हो पाया, तुम्हारा डब्बा सिंपलीफाई नहीं हो पा रहा है। डाउट तो बताओ यार, डाउट क्या है यार? वो जो डब्बा न्यूमरेटर में है उसको मैं कैसे सिंपलीफाई कर, बस ये बोल सीधा नहीं बेटा। तूने बोला सर हिंट दो, हिंट में किस स्टेप पे हिंट दो, मुझे क्या मालूम। ठीक है, ये सॉल्व करना है? हाँ सर। हाँ सर, दो तरीके हो सकते थे, मैं तो एक ही तरीका बताऊंगा। और मैंने क्लास में पहले ही बताया था क्वेश्चन करते वक्त, याद है कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो एक टर्म उसका देते हैं फैक्टराइज करने के लिए। याद आ रहा है लाइन मेरी? याद आ रही है? हाँ, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो एक टर्म इसका एक टर्म उसका, ये मेरे लाइन याद आई नहीं? याद आई लाइन? यस सर। एक टर्म इसका एक टर्म उसका, दो टर्म्स है ना अजीबोगरीब। मैंने कहा था ना एक टर्म इससे ले लो और एक दूसरा टर्म उससे ले, इससे क्या फायदा होगा? कॉमन लेके इसके सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये तुम लोग जो पेरेंट्स हमें ढकोसला कर रहे हो ना, शाही है शाही है शाही है, बना लो जितना पेरेंट्स को मूर्ख बनाना है। ठीक है, बैंड तुम्हारी बजेगी बहुत बुरी तुम लोग के बैच की, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट बैच विच आई हैव बीन टीचिंग इन लास्ट 12 इयर्स। नोबडी लाइक्स टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x plus 2h, बिना बोले तो आपके लिए पिक्चर है ना यार, आपको पिक्चर चली याद चले याद, तो पिक्चर चला के आपको क्या मतलब क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. क्या हो गया इससे? मैं x x दिया है ना,
यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे कैसे करें, क्या करें इसको, 2x प्लस 2h प्लस रूट 2x बाई 2x प्लस 2h। तुम लोग सोचो, तुम लोग की स्थिति देखो, तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम लोग को अब ये भी नहीं दिख रहा है कि सर रैशनलाइज करना है, ये भी नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो तुम लोग कुछ हो नहीं सकता इस वक्त। लॉन वन प्लस एच बाई एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इंटू एच बाई एक्स, ये बात चमकती है। प्लस आज के रेट में आपके बैच में मुझे कोई आईआईटी जाता दिख नहीं रहा है, ठीक है, फ्रैंक स्पीकिंग बात करता हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा है आईआईटी जाता। जो पेरेंट्स सामने तुम उनको उम्र बना सकते हो, मुझे नहीं, हम शाही हैं। अबे स्कूल में साई रहते हो क्या, बकवास कर रखे हो, हैं? मैं स्कूल नहीं गया हूँ। ये कट गया, इसका लिमिट वन है, कितना आंसर आ गया बताओ, रूट टू एक्स इनटू वन, वन बाई एक्स प्लस, कट गया ये, हाँ, टू लॉन एक्स बाई टू रूट एक्स, ये कट गया, हाँ, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, एक्स की पावर रूट टू एक्स इंटू रूट टू एक्स वन बाई एक्स प्लस लॉन एक्स बाई रूट टू एक्स। प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स की क्लास आप लोग क्यों नहीं सीख पाए, क्योंकि मैं शुरू से ये बोलता रहा कि जो मैं बोलता हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने लाइन बोली थी ना पहले भी, ऐसे टर्म को फैक्टराइज कैसे करते हैं, एक टर्म उसका एक टर्म इसका, बोला था नहीं बोला था, yes. भाई बोले थे कि नहीं बोले थे, बोला था, फिर ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब तुमको मैथ्स में सौ आएगा, ये बात ध्यान रखना, बारहवीं तक तो दिन नहीं ऐसा आएगा कि तुमको जे एग्जाम में सौ आएगा, और तुमको ये पागलपन करना है ना, चुप रहने वाला, सब लोगों को रहो चुप, सर अगर हमने उस स्टेप में दूसरे वाली टर्म्स ली होती तो भी आंसर आता, तो भी आता, हो गया सर। करने या करने, क्लास खत्म हो गई, 6:05 हो गया, जाओ, क्या हो गया, जाओ, कल फिर आओगे, कल ऐसा ही दिन जाएगा जब सोचो तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या करना है। दो क्वेश्चन और है ना, ये और ये, अच्छा जाने का ट्राई करना, जाओ।